हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं जो इंडियन नेवी MR की रिक्रूटमेंट निकली है इस साल की, उसके सैंपल पेपर, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नेवी एयरफोर्स या कोई भी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, साथ ही साथ में सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्वोट पढ़ लेते हैं। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके जो सिलेबस है उसका, MR का, उसका सेक्शन ए में आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स आएगा। और साइंस की बात करें तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सेटेलाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद फोर्स एंड ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ न्यूटन आएगा आपका, सॉरी न्यूटन्स लॉ आएगा, मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद हीट, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपोनेंट्स के बाद मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैथ की बात करें तो आपके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स और सिमुलेशन इक्वेशंस, बेसिक न्यूटनोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में आपके एवरेज, मीन, मीडियन मोड आते हैं। इसके बाद बात करें तो आपके इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करें सेक्शन वी की तो उसमें जनरल अवेयरनेस आता है। ज्योग्राफी में आपका सोयल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, इनलैंड, हार्बर्स, कल्चर एंड रिलीजन्स। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट्स होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, वो हो गए आपके, आपके इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट हो गए अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस हो गए, हिस्ट्री आएगी उसमें थोड़ी बहुत, और उसके बाद डिफेंस, वॉर एंड पड़ोसी अपने, अवार्ड एंड ऑथर हो गए, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशंस हो गए। करंट अफेयर्स में लैंग्वेज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम हो गए, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशंस। उसके बाद एमिनेंट पर्सनैलिटीज हो गई। उसके बाद आपके नेशनल वर्ड्स, एनिमल्स, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग एंड मोनूमेंट्स हो गए। उसके बाद स्पोर्ट्स में आपके चैंपियनशिप्स, विनर, टर्म, नंबर ऑफ प्लेयर, किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, इससे संबंधित आपका जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो आएगा। उसमें सिंपली आपका मैथ, साइंस टेंथ का था, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आती है, थोड़ी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़े बहुत आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम एक मोटिवेशनल क्वोट और ले लेते हैं जो किस प्रकार है। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन फिर लौट आऊँगा। थोड़ा डूबूंगा, थोड़ा टूटूंगा, लेकिन फिर लौट आऊँगा, ए ज़िंदगी तो देख, मैं फिर जीत आऊँगा। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर है हमारे का, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के ये, इसमें टाइम आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जिनको आप पढ़ सकते हैं आराम से, और ये सैंपल इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो पैटर्न होता है वो ऑफलाइन होता है, तो उसमें स्टार्टिंग मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस के हो गए आपके, ज्योमेट्री के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, और आपको सिलेबस मैंने पहले ही बता रखा है, उसी के अंदर से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। इसमें बीच में साइंस के भी दे रखे हैं, तो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस एंड मैथ के। बारह तेरह साइंस के होते हैं, उसमें फिर 12 या 13 आपके मैथ के होते हैं। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाता है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के आपके हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, इस टाइप का आपका पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। मणिपुर की राजधानी हो गई, जैसे कि आपका पूछ लेते हैं, राजधानी पूछ ली, मुद्रा पूछ ली, भाषाएं पूछ ली,
नदियाँ पूछ ली, फुल फॉर्म पूछ लिए, इस टाइप के बुक्स पूछ ली, खेल से संबंधित पूछ लिए, ये क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, और कोई कंसर्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।